डेफिनेटली हम बैठ के बात तो होगी, लेकिन स्टिल हम बैक करेंगे, जो हमारे फेयरलेस अप्रोच है उसको बैक करते रहेंगे। स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों पावर प्ले में हमारा ऐसा हुआ है कि हमारी अच्छी सिचुएशन होती थी, लेकिन जब राशिद आता है, क्योंकि नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और वो आपको पूरा मैच लेके जा रहा है दोनों मैचेस में, तो और स्पेशली इस कंडीशन में तो क्वालिटी तो है उसके पास, लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, जिस तरह के वो बॉलिंग कर रहा है, तो वो शो कर रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। डिस्पाइट जो भी रिजल्ट हो, और वो फियर ऑफ फेलियर जहन से निकालना, उसके लिए बतौर कप्तान और जो आपका टीम मैनेजमेंट स्टाफ है वो कितना रोल इनपुट करता है, और कैसे आप ये फियर ऑफ फेलियर निकालने में कामयाब रहे? क्योंकि हम अगर आगे देखते तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं हम पैनिक कर जाते हैं इस फियर की वजह से। और सेकेंडली दूसरा, एक साथ साथ फील्डिंग ने आज थोड़ा सा लेटडाउन किया। डेफिनेटली फील्डिंग का मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। और अगर आप ऐसी कंडीशन में ऐसे प्लेयर्स के अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो वो कॉस्ट तो करते हैं, स्पेशली अगर आप इस बॉलिंग के खिलाफ 200 चेज़ करेंगे तो वो मुश्किल होता है। दूसरी, आपने फेलियस अप्रोच की, देखिए मैंने पहले भी बात की थी कि फेलियस अप्रोच में फेलियर तो होंगे, आप कोई भी अप्रोच लेंगे उसमें फेलियर तो आते हैं, आप फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करते हो और प्लेयर को उस तरह कॉन्फिडेंस देते हो, वो अहम किरदार है उसमें। हमारे, मेरे ख्याल से हमारे ओनर्स और हमारे मैनेजमेंट का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ओनर्स डेफिनेटली चाहेंगे कि वो जीते, हर मैचेस जीते, वो ऐसा लेकिन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो अप्रोच है इसके, इसमें हमने देखा कि आपने आपने देखा ही होगा कि हमने पिछले 3 मैचेस में 200 चेज़ भी किया है, तो अगर ऐसी अप्रोच ना हो तो उसमें आप चेज़ नहीं कर सकते, और ये ड्यू भी होता है, क्योंकि हर रोज़ आप 200 चेज़ भी नहीं कर सकते, और स्पेशली ऐसी क्वालिटी बॉलिंग के ख़िलाफ़। मुझे लगता है कि हमारे जिस तरह की बॉलिंग है वो कंसिस्टेंटली 200 रन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें कंसिस्टेंटली 200 रन्स हो रहे हैं, लेकिन मैं पूरा उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि हमारी बॉलिंग कम बैक करेगी। शादाब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि 3 दिन से 200 रन स्कोर चेज़ भी हो रहा है, आज तो नहीं चेज़ हुआ, लेकिन शॉर्टेस्ट बाउंड्री और फ्लैट पिचेस बॉलर्स को बड़ी मार पड़ रही है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि सर पहले PSL में शॉर्ट रन बनते थे और मैचेस में मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा आता था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं तो इस मैच में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन आजकल की क्योंकि क्रिकेट एक किस्म का बिजनेस भी है, और जो क्राउड भी आता है वो छक्के चौके देखने आता है, डॉट बॉल तो कोई भी नहीं देखने आएगा। डेफिनेट बॉलर को काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन आप जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं उसकी उसकी टेंशन लेनी चाहिए, और मुझे लगता है आजकल के क्रिकेट में वैसे भी अगर आप इस तरह के एंटरटेनमेंट ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के व्यूज़ और जिस तरह का क्राउड है वो आएगा देखने, तो क्राउड के लिए अच्छा होता है कि छक्के चौके लगे। आज हम आउट हुए हैं तो क्राउड को तो मज़ा नहीं आया होगा, जो कल वाला मैच वो डेफिनेटली क्राउड ने इन्जॉय किया होगा। कैप्टन, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम अपना ब्रांड अप क्रिकेट लेके चल रहे हैं PSL में, और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हम फील कर रहे हैं कि शायद 2 मैचेस में वो आपका जो एक अप्रोच है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है, आप जीतने के बजाय हार रहे हैं और बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। लीग मैचों में तो ठीक है, लेकिन जब आप जाएंगे आपके पास मार्जिन था कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप नॉकआउट मरहले में जा रहे हैं तो शायद गलती गुंजाइश रिश्ता दे, तो क्या इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ आगे भी जाना चाहते हैं, या अब टाइम आ गया कि बैठें, दोनों चीज़ें अप्लाई कर ली तो किसको लेकर आप जो है वो प्ले ऑफ में जाना है? और दूसरा, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप कैप्टन भी हैं, आप आए यहाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरह से एंगेज नहीं कर पाती इस्लामाबाद के क्राउड को, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आज लोग हाउसफुल था आपको सपोर्ट करने आए, तो क्राउड पर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, अप्रोच की बात तो जो हमने चेज़ भी किया वो इसी अप्रोच से किया, और ऐसी किसी भी अप्रोच आप इस ले लें उसमें फेलियर आएंगे, आपका ऐसा नहीं है कि आपको फेलियर नहीं आएंगे, फेलियर आप, हमारे लोग जो चाहते भी हैं कि हम पाकिस्तान टीम में मॉडर्न डे क्रिकेट जो आप डिमांड करते हैं, अब किसी प्लेयर्स को या किसी भी टीम को जो एक टीम खेल रही है 160 के लिहाज से, जब आप उसको कहेंगे कि आपने 200 के हिसाब से खेलना है, उसमें फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एज ए नेशन हम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो यही मसला है कि हम क्योंकि आप, हम चाहते भी हैं रिजल्ट भी आए,
मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेलें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रिजल्ट आपको शायद कोई भी चीज़ आप चेंज करते हो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर के, और लेकिन एज ए नेशन अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते तो हमें वो चीज़ की डिमांड भी नहीं करनी चाहिए कि हम जिस तरह खेल रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिल रही है तो वही चलता रहे। लेकिन हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो सक्सेस मिल रही है जिस अप्रोच के साथ, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। फेयरलेस स्मार्ट क्रिकेट भी खेलनी चाहिए मेरे ख्याल से। फेयरलेस के साथ हमने जो पिछले 3 मैचेस जीते भी हैं वो स्मार्ट क्रिकेट की वजह से भी जीते हैं, क्योंकि ऐसी पिचेस पे ऐसी कंडीशन पे अगर आप स्मार्ट क्रिकेट खेलोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं आप जीतने के। दूसरा इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, अगर मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन फैंस 4 मैचों में हमें सपोर्ट करने आए हैं और उनका शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह की उनकी सपोर्ट थी होम क्राउड से यही तो होती है। अगर एंगेज नहीं कर पा रहे हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजमेंट या कुछ भी जो भी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनको करना चाहिए क्योंकि जब आप होम में होते हैं तो उसको करना चाहिए। लेकिन स्टिल हमारे फैंस सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह सपोर्ट करते रहे।